कहा सुना माफ चिंटू जी, सलमान खान ने माफी मांगते हुए ऋषि कपूर को दी श्रद्धांजलि, नहीं थी बोलचाल। नमस्कार दोस्तों, दिग्गज कलाकार और शानदार शख्सियत ऋषि कपूर हम सबके बीच नहीं है। लंबी बीमारी के बाद 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। इस समय उनके चाहने वाले और सभी कलाकार उनको याद करते हुए सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसे में एक और ट्वीट सामने आया है कि जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार सलमान खान के ट्वीट के बारे में। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से उनके और ऋषि कपूर के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सलमान खान ने बीती सारी बातों के लिए माफी मांगते हुए अपना दुख व्यक्त किया है। सलमान खान ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले चिंटू सर, कहा सुना माफ, उनके परिवार और दोस्तों को ये सहने की शक्ति मिले। सलमान खान की इस ट्वीट के बाद वो काफी चर्चा में आ गए हैं। सलमान खान और ऋषि कपूर को लेकर पहले खबर आई थी कि ऋषि कपूर ने सुहेल खान की पत्नी से कुछ कहा था, उसके बाद खान बनाम कपूर हो गया था। इसके अलावा सलमान खान और रणबीर कपूर के अनबन की भी खबर आई थी। सलमान खान के अलावा आमिर खान और अजय देवगन ने भी उनको इस तरह से श्रद्धांजलि दी है। आमिर खान, आज हमने देश का महान कलाकार खो दिया, वो 100% भारतीय सिनेमा के बच्चन थे। ऋषि, हम आपको सदा याद करते रहेंगे। अजय देवगन, सुपरस्टार अजय देवगन ने लिखा है, अजय देवगन ने ऋषि कपूर की मौत पर दुख व्यक्त किया है और राजू चाचा फिल्म को याद करते हुए उनके परिवार को सहानुभूति दी है। अरबाज खान ने लिखा है कि ऋषि कपूर जी की खबर सुनने के बाद मन उदास है, हमने 2 दिन में 2 बड़े एक्टर्स खोए हैं। सोनम कपूर ने चिंटू अंकल को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ट्वीट किया है, वो ऋषि के काफी करीब थी। बोनी कपूर ने भी ऋषि कपूर को याद करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनका ट्वीट काफी चर्चा में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।